हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिफ्टी गुड वाइब्स। और आज है हमारा एक ऐसे नॉर्मल सा ब्लॉग। आज मतलब संडे है और तो हमने सोचा बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं डाला, तो कोई ब्लॉग बना के डाल दे। हाँ, देखते हैं आज क्या होता है। तो और ब्लॉग इसलिए कुछ दो दिन तीन नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे एक हादसा हुआ है। मतलब दीदी स्कूटी से आ रही थी और ये गाड़ी मतलब हैवी ड्राइवर है ना, तो लेकिन हैवी ड्राइवर नहीं, गाड़ी क्या हो गई उसमें मॉरल पे स्किड कर गई। हाँ, तो मुझे और शतर दीदी को चोट आ गई। हाँ तो दिखा, ये देखो ये इनको काफी चोट आई है यहाँ पे, ये पैर में इनको काफी यहाँ पे चोट आई है। तो और श्वेता दीदी को भी काफी चोट आई है, उनके तो यहाँ सर पे भी चोट आई है। मतलब नहीं, उनके इधर भी चोट लगी पर वो ठीक है। हाँ उनको मतलब इन दीदी को ज्यादा लग गया क्योंकि यही ड्राइव कर रही थी। और आज संडे है तो आज मम्मी बनाने आ रही थी फ्रेंच फ्राइज, तो काफी फ्रेंच फ्राइज बना रही थी तो मम्मी ने काटे हैं और अभी उसको सूखाने के लिए रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रेंच फ्राइज सूख रहे हैं और जब ये एकदम अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद मम्मी बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे बनाया। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मम्मी बनाने जा रही है हनी चिली पोटैटो टाइप। हाँ, देखते पता नहीं कैसा बनता है हनी चिली पोटैटो, तो उसकी सारी रेसिपी आपको इसी में मिल जाएगी, पूरा दिखाएंगे आपको। तो अभी यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज मम्मी एक पन्नी में रख रही हैं और उसके बाद उसको फ्रिजर में रख देंगी आधे घंटे के लिए। मैं आपको फ्राइज जो मम्मी ने सुखाने के लिए रखे थे, पहले मम्मी ने इसको एकदम अच्छे से काट लिया था, एक कटर से आता है, और उसके बाद इसको ठंडे पानी में डाला था, उसके बाद सूखने के लिए रखा था। नहीं, अब इसको ठंडे पानी में डाला, फिर उसके बाद पानी को खौलाया, फिर पानी खौल गया था, फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए खोलते हुए पानी में डाल दिया, ढक दिया, 20 मिनट ढके रहे, फिर इसको पंखे के नीचे एक कपड़े में पानी इसका सुखा लिया, अब आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख ली जा रहा है। अभी ये हैं आलू और यहाँ पे तेल चढ़ा हुआ है गर्म होने के लिए, जैसे ही थोड़ा थोड़ा तेल गर्म हो जाता है फिर हम लोग फ्रेंच फ्राइज को उठाएंगे और इसमें फ्राई करेंगे। अभी आगे देखो एकदम तेल गर्म हो चुका है और यहाँ पे सारे फ्रेंच फ्राइज डाले जा रहे हैं एकदम अच्छी तरीके से। इसको कब तक फ्राई करना है? एक बार अभी थोड़ा फ्राई कर लेंगे फिर निकालेंगे, थोड़ी देर बाद फिर इनको फ्राई करेंगे, दो बार फ्राई करेंगे। यहाँ पे दीदी भी आ चुकी हैं, उन्हीं चोट है दिमाग में लगी, छोटी छोटी सी लगी। हाँ दिमाग में लगी है, दिमाग में लगी होती तो तुमको फ्राई कर देती। अभी इतना किया, ज़्यादा नहीं करेंगे ना। अभी इसको फिर से फ्रीजर में रखना है। अभी इसको फिर से फ्रीजर में रखेंगे 20 मिनट के लिए, फिर से रखना है, फिर उसके बाद फिर फ्राई करना है। मम्मी ने ये फ्रीजर से निकाल लिया था और ये देखिए इसमें कॉर्नफ्लावर में एकदम अच्छे से उसको मिक्स करके इसको फिर से फ्रीजर में रखना है। कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए। इसमें कॉर्नफ्लावर मिला दिया इसलिए कि थोड़ा सा जब फ्राई करेंगे ना तो क्रंची हो जाएंगे, कलर भी अच्छा आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ी मिला दिए हैं, आधे घंटे के लिए इसको फ्रीजर में हम रख देंगे। बनाने जा रही थी तो ये कैप्सिकम ले लिया है, कितना कैप्सिकम लिया है? एक। और ये मिर्ची? चार मिर्ची है और दो प्याज हैं, लहसुन की कलियां हैं, अदरक है, और ये तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, और ये सोया सॉस है। और यहाँ पे मम्मी ने वही कॉर्नफ्लावर से जो मिक्स करके रखे थे वाले फ्राई कर लिए। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं, ये तेल काफी मतलब गर्म हो गया ना। Thank you.
से पूरी बटर भर दी। अरे थोड़ी थी उसमें काली मिर्च। हाँ ये काली मिर्च डाल रही है, डालेंगे पानी डाल रहे हैं बॉईल करने के लिए। ये कॉर्नफ्लावर है जिसमें मम्मी ने मतलब पानी मिक्स कर लिया है क्योंकि हमें इसको थोड़ा क्या डाला है, एक चम्मच डाला है। हाँ इसमें मम्मी ने एक चम्मच कॉर्नफ्लावर और 3 चम्मच पानी डाला है और इसको थोड़ा थिक बनाने के लिए हम लोग कॉर्नफ्लावर को डाल रहे हैं इसमें। एक साथ मत डालिएगा, एक एक करके डालिएगा। अब इसमें इसको डाल दे। अच्छा अब इसमें फ्राइज को डाल देना हमें इस ग्रेवी में जो हम लोग ने रेडी की है। वो शर्ट आधा गिर गया, टेस्टी लग रहा है देखने में। ये बच्चा ने मुझे सुबह से परेशान कर दिया इसको बनाने में, और टेस्टी भी काफ़ी होता है ना, इसलिए तैयार हो ही चुका है लमसम। अभी और कुछ करना है इसमें, आप सब खा लेना है। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ चल के। कुछ भी हो सकता है ना मोरंग में, एक्चुअली छोटे भैया की छोटे भैया की गाड़ी होती है तो मोरंग में बहुत स्किप करती है। अगर आप लोग नया नया चलाना सीखे या अभी तक आप लोगों ने मोरंग में नहीं चलाई है प्लीज हम दोनों की राय, मेरी तो शुरुआत से ही थी, आप निधि समझ गई है। हमारे तो दोनों एक साथ मारे, आके वाला ही ना मारते। अरे तो भाई धीरे ही चलाए, इससे अच्छा धीरे धीरे चलाए, धीरे धीरे चलाए, धीरे धीरे चला के निकल जाए, मारने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये देखा है क्या हो गया। चलिए रेडी हो चुका, दिखाता हूँ चिके हैं टेस्टी हनी चिली पटेटोस। और आपके मम्मी मैंने कैसे बनाया, फर्स्ट टाइम बनाया है, मम्मी का अच्छी होगा, आप दिखाइए पहले। आप गर्म होते बहुत टेस्टी आप क्या वैसा ही है जैसा आप खाती हैं। अभी हम लोग आपके हाथ चूमते हैं, अभी अभी हम लोग सब लोग इकट्ठा भाभी के हाथ चूमेंगे जाके। नहीं नहीं सच में बहुत अच्छा, मम्मी ने फर्स्ट टाइम बनाया है पर बहुत अच्छा बनाया है, वेरी गुड। टेस्ट करिए, टेस्ट करिए, बिल्कुल जैसा लग रहा है कि बाहर से हम लोग मंगा के खाते हैं। अब बच्चा का रिव्यू देखते हैं हम लोग। इसके लिए सुबह से परेशान किया है तूने, 8 बजे स्विच स्टार्टिंग की, 8 बजे से 8 बजे शुरू किया था ये। हाँ तो जो सारा कुकुरवार है वो सारा बच्चा हम लोग बाहर से खाते हैं, हम लोगों ने वहीं से खा के फिर मम्मी बोला था बनाने को और वैसा ही बनाया है। तो आप लोग भी वैसे ही टेस्ट आ रहा है, तो आप लोग भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा। अब हर चीज़ तो बताइए, अगर आपको कुछ अभी भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मम्मी बता देंगी। चलिए पूरा जाएगा एक बार में, टेंशन कोई बात नहीं। दीदी ने उनसे मोरबज कौन थे दीदी आपके, सच में बहुत कौन हिप्पो क्या, तो करिए थोड़ा टेस्ट तो लीजिए। अच्छा लग रहा है, मैंने खा लिया पूरा, मुंह में गया नहीं, दांतों के पास आया है ही नहीं मुंह के अंदर। तुम लोग इधर चलिए ना, लो मैं मम्मी खिलाती हूँ, नहीं टेस्टी है सच में, अच्छा लग रहा। मम्मी कैमरा छाए हैं मैम, थोड़ा क्या मम्मी थोड़ा कैमरा छाए हैं, ये लग रहा दीप तो अभी तो मैं अभी वीडियो मौसम खराब लग रहा है तो छत पर से चादर ले आओ जाके। अच्छा हो रहा है यार, बहुत सही हो रहा है मौसम, मस्त बिल्कुल मस्त मौसम। आप लोग देखिए सच में बहुत अच्छा हो रहा है, प्यारा कैसा खेती कर रखी है, मतलब यहाँ पे गन्ना लगा रखा है, ये सब यहाँ पे इतने ऐसे ऐसे घर बने और इनने लग रहा भुट्टा है, वो भुट्टा है गन्ना है, हाँ भुट्टा है ये देखो, और ज्यादा हुआ है बहुत बड़े। अभी चलो इन कपड़ों को उठाते हैं, और आज वैसे भी संडे है, आज वैसे भी संडे है, तो सुबह मैंने थोड़ा सा पोछा लगाया उसके बाद। हाँ तुमने लगाया पोछा, और क्या मतलब मैंने लगाया थोड़ा, उसके बाद मैंने पोछा तोड़ के रख दिया, पोछा लगा रहा था मैं और मम्मी बोला छोड़ो मत लगाओ, तोड़ दिया ये का बढ़ा देते। मैं पोछा लगा रहा था उसको तोड़ ही दिया मेरे पोछे को, ज़्यादा ही लगता है जोश आ गया था।
तो टूट गया वो पोछा। दिखाता हूँ आप, देखो तगड़ी बारिश हो रही है। जा रहे थे और अपना शरीर नहीं बचा रहे थे, सर बचा रहे थे। तो इंसान अपना शरीर से ही शुरुआत वो करता है ना, ऐसे करता है ना, ऐसे तो नहीं करता है वो, क्योंकि उसको पता है ना हाथों का सर ढका जा सकता है, पूरा शरीर नहीं ढक पाएगा। उसको ऐसे लगता है कि सर में क्या भीगने वाला है। नहीं नहीं नहीं, उसे नहीं, इंसान के साथ सबके साथ होता है, उसे लगता है कि ऐसे कर लेंगे तो वो ज्यादा बन जाएगा, बाहर बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है। शाम के 7 बज गए और बाहर बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है, और मैं अभी श्वेता दीदी को दिखाने जा रहा हूँ एक कार्ड के साथ मैजिक ट्रिक, दिखाता हूँ। मैं इस कार्ड को ये बाहर से रखूंगा और आपको दो स्टॉप बोला अपना ही दो। मैं आपके दीदी को मैजिक दिखाने जा रहा हूँ और मैंने आपको बता दिया ना कैसे करना है, मतलब मैं ऐसे करूँगा और आपको दो बार स्टॉप बोलना है, दो कार्ड चूज करने के लिए। और मैंने कार्ड रखा और इसको मैंने अलग रख दिया, सॉरी दो कार्ड रख दिया, फिर से स्टॉप बोलना है। आप बताइए तो बार आपको इसका बोलना, ठीक है बोलिए। इसका अभी एक हो गया, मैं उसको गार्ड पर अभी आपके दो गार्ड हो गए। आप इतना हंस क्यों रही है मैंने ये बताइए, क्योंकि तुम बार बार रिपीट कर रहे हो, इसलिए क्यों रिपीट कर रहे हो। मैजिक दिखा देंगे इस कार्ड को हम लोग साइड रखते, छोड़ो बस करो दीदी। इतना लाफ्टर अटैक आ गया दीदी को, हटो उधर से। बच्चा मतलब अपनी बेस वही नहीं कर सकता, उसमें क्या दिक्कत है। पहले ही दीदी ने बोल दिया इसलिए मैंने नहीं, हाँ दिख तो रहा था हवा में उड़ रहा था, तो मैं इसीलिए पहले बच्चा का मैजिक बार 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 फ्लॉप हो जा रहा था और दीदी उसको बार बार पकड़ ले रही थी, इसलिए कोई बात नहीं बच्चा, फिर से मेहनत करना, अभी फिर से सफल हो जाओगे। बच्चा नया मैजिक लेके आया तो अभी दिखा रहा, और अभी दीदी ने शूट नहीं किया, मैंने इससे पहले श्वेता दीदी को 3 मैजिक दिखाए और वो लगातार सही निकले, और मैं शूट नहीं बोला दीदी आप बोलिए। सही में सही, चलो अच्छा दिखाएगा। ये 7 कार्ड्स है और आप इसमें से कोई सा भी कार्ड तुम्हें दिखाऊं, नहीं ठीक है। अभी दीदी ने कार्ड रख दिया, अब मैं इसको मिक्स कर देता हूँ, ये ना लगे कि नीचे वाला, इसलिए मैं नीचे वाला भी कर दे रहा हूँ निकाल के, मतलब इसलिए मिक्स करके, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको जोर से इसमें मारना है कि सारे कार्ड्स गिर गए, मारो सारे गिर गए, एक कार्ड बचा है। यही था, सही है सही है, हाँ। अब इसी बात पे अगर हुआ है तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ओ, बच्चा के अंदर वो आ गई है, क्या बोलते हैं उसको, टॉक पे टॉक रखे बच्चा। चल बेटा क्या है, इसमें आप कोई सा भी कार्ड चूज करो, कोई भी कोई सा भी कार्ड चूज करो, दो जब कार्ड चूज करेंगे, एक और कर कौन सा कार्ड और उनको भी, हाँ ठीक है रख दो इसको। अब मैं इसको मिडिल बिटवीन से भी हैंड से भी ऐसे कट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको दोनों कार्ड रख लेता और इसको भी रख लेता, ठीक है। अब मैं इसको कट करूँगा, मतलब मैं इस पीछे कट करूँगा और रख दूँगा, और दो कार्ड हो जाए। हाँ यही थे, ये वही दोनों कार्ड थे। गुड बच्चा, आप लोगों को भी अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा लगे आपको मैजिक। ये डे हो चुका है फिनिश और ये बस जैसे ऐसे ही नॉर्मल सा व्लॉग था संडे का जो जो हम लोगों ने किया, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
और अच्छा कि अजीब अजीब मैजिक ट्रिक आपको अच्छे लगे, अच्छे थे वो, काफ़ी ज़्यादा इंजॉइंग थे। और अभी बज चुके हैं 9:30 आएगा खतरों के खिलाड़ी, हम लोग वो देखेंगे और उसके बाद खाना खा के। सो ये वीडियो करते हैं पे एंड, और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इसको करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रे करिए दीदी की चोट के लिए वो जल्दी सही हो जाए। तो हम लोग आपके लिए काफ़ी अलग विजिटिंग वाले ब्लॉग्स ले पाए, कहीं घूमने वाले, क्योंकि अभी कुछ जगह जा नहीं सकते। और प्रे करिए दीदी की भी चोट सही हो जाए, उनकी जो यहाँ पे चोट लगी है वो वाली सही हो जाए, वो काफी तेज लगी है। मार दो निधि मेरी तरफ से, चलो चलो मार देते हैं। चलिए तो आप लोग को इस ब्लॉग को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है, जो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।